नमस्कार, यहाँ पर एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अनुदेशकों के लिए है। अनुदेशक शिक्षा मित्र के स्थानांतरण से संबंधित एक खास समाचार, एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट शिक्षा विभाग से आ रही है। क्या है वो खास खबर, हम आपको इस ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से पूरा बताएंगे। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक छोटा सा निवेदन है समाचार शुरू करने से पहले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप हमारी खबर से रूबरू रहें। तो साथियों, यहाँ पर छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करने अगर नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि हमारे अनुदेशक और शिक्षा मित्र भाई हर खबर से हर वक्त रूबरू रहें, उनसे संबंधित क्या खबरें हैं वो उन तक पहुँचती रहें। तो साथियों, आज हम शुरू करते हैं अनुदेशक न्यूज़ पे। सबसे पहले, सबसे आगे चैनल पर आज की खास खबर स्थानांतरण को लेकर। स्थानांतरण जल्द शुरू किए जाएंगे, जैसा कि आपसे पहले ही बताया गया था कि सब्जेक्ट मैपिंग कार्य पूर्ण होने के बाद तुरंत स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र शुरू कर दिए जाएंगे। और इस बार खास बात है, ट्रांसफ़र ऑनलाइन होंगे, इसीलिए सब्जेक्ट मैपिंग करवाया गया था। साथियों, खास बात है, इसी महीने शुरू कर दिए जाएंगे ऑनलाइन ट्रांसफ़र, जो कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के ट्रांसफ़र होंगे। इसमें स्थानांतरण एवं अन्य समस्याओं को लेकर परियोजना कार्यालय में कुछ अनुदेशक लीडर्स की बात हुई है, और उन्होंने जो संबंधित पटल देख रहे हैं उन उच्च अधिकारियों से वार्तालाप किया, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्रों का जनपद स्तरीय स्थानांतरण का कार्य इसी माह आदेश जारी हो जाएगा। जैसा कि आपको बताया जा रहा है, इसी माह ऑर्डर आ जाएगा। आप सभी इच्छुक अनुदेशक शिक्षा मित्र जो स्थानांतरण चाहते हैं, आप सभी तैयार रहें, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई हैं और आप सभी के स्थानांतरण होंगे। साथ ही साथ अनुदेशकों के अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा हुई, जिस पर सार्थक वार्तालाप हुआ है। कुछ चीज़ों को लेकर सेवा नियमावली और शासनादेश में संशोधन की करने की आश्वासन भी प्राप्त हुआ है। आगे जैसा भी रहेगा, आप सभी को ससमय उचित और स्पष्ट जानकारी संगठन द्वारा प्राप्त होती रहेगी। उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के द्वारा ये समाचार वायरल हो रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो रहा है। तो आप समझ लीजिए, इस माह स्थानांतर शुरू कर दिए जाएंगे। कोर्ट का आदेश अभी आना बाकी है, जैसा कि आप सभी जानते हो। आपके मामले को यानी कि अनुदेशक मानदेय 17,000 के डबल बेंच के मामले को सुरक्षित रख लिया गया है, और कोर्ट इस मामले को कभी भी सुना सकती है, जिसमें अनुदेशकों को एक तारीख दी जाएगी, उसमें ऑर्डर सुना दिया जाएगा। तो ये थी खास खबर, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।